संग ले लो। फागुन महोत्सव की तैयारी अंतिम पायदान पर पहुंच गई है। ऐसे में बता दें कि आज यानी शुक्रवार को झाझा से खाटू श्याम को निशान चढ़ाने भक्तों की टोली रवाना हुई। वहीं श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ खाटू नरेश के जयकारे भी लगाए। दर्जनों की संख्या में मौजूद महिलाएं, पुरुष एवं लड़कियां भक्ति गीतों पर जमकर झूमते रहे। समिति के सदस्यों ने बताया कि सबसे पहला निशान बाबा श्याम को चढ़ाया जाता है, जिसको लेकर आज श्याम भक्तों की टोली झाझा धाम से खाटू धाम के लिए रवाना हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक पदाधिकारियों में एसआई दिलीप चौधरी, जेएसआई निशा कुमारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। बता दें कि सभी श्रद्धालु राजस्थान के रिंगा से 20 किलोमीटर की पदयात्रा कर खाटू श्याम को निशान अर्पित करेंगे। वहीं इस मौके पर कुल 16 निशान खाटू धाम के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर संयोजक आयुष बंका, अजय छापड़िया, राम गोपाल शर्मा, शरद चंद्र शर्मा, अमृत सुल्तानिया, अमित सिंघानिया, मनोज बंका, सुनीता अग्रवाल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। प्रत्येक वर्ष यहाँ से निशान लेकर आप लोग खाटू के लिए प्रस्थान करते हैं, ये कितना वर्ष हो रहा है आप लोग का? इक्यानवा वर्ष। प्रत्येक वर्ष कितने किसान श्रद्धालु जा रहे हैं इस बार खाटू धाम के लिए? 20 आदमी। और कब निशान चढ़ाइए? 27 को। फागुन महोत्सव के संयोजक आयुष बंका हमारे साथ जुड़े। आयुष जी, आज क्या क्या हो रहा है कार्यक्रम? आज ये निशान यात्रा निकली है जो कि झाझा से खाटू जाएगी। यहाँ ये मतलब झाझा से निशान लगभग 27वां वर्ष है, 26 वर्षों पूर्व से ही जा रही है, उसी में आज हम लोग सब हिस्सा लिया है। और इसके बाद जो है मतलब फागुन महोत्सव की तैयारी, फिर फागुन महोत्सव की तैयारी झाझा से श्याम सेवा ट्रस्ट समिति की चल रही है, जो कि आगामी 3 मार्च को निशान शोभा यात्रा है।